जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, की कीता जे माजनू? माजनू ठंड हो गई। की करदी सी? कमदी है। कमदी है। आज सुबह दी के कल दी? आज सुबह दी। आज सुबह दी। ये भैंस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर हजरात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपको अपना वेटनेरियन डॉक्टर स्टार आपको अपने यूट्यूब चैनल पेट एंड वेट में खुश आमदीद कहता है। तो बगैर कोई टाइम ज़ाया किए, ये जो आप देख रहे हैं भैंस, जो इसकी आनर है, उनका कहना कि जो सुबह से यह शिवरिंग कर रही है, कांप रही है। आज का मौसम बहुत ठंडा, सर्दी का मौसम, सही बात है। तो ये देख लें, ज़्यादातर जो आज के मौसम में जानवरों में जो ज़्यादा मसला आ रहा है वो है हाइपोथर्मिया, इसको ठंड लग जाना या नमोनिया। तो ये पहले टेम्परेचर ले लूँ मैं। तो ये अभी मैं टेम्परेचर ले रहा हूँ ताकि इंटरनल जो टेम्परेचर है पता हो। ये जो हाइपोथर्मिया है, जानवर को ठंड लग जाना या नमोनिया, इसमें नंबर वन जानवर ऑफफीड हो जाएगा, खाना पीना कम कर देगा। अगर दूध दे रहा जानवर, उसकी दूध की प्रोडक्शन एकदम कम हो जाएगी, जानवर शिवरिंग करेगा, उसको उठने में जो है वो डिफिकल्टी होगी। और जब नमोनिया हो जाएगा तो इसके अंदर जो है अंडुलेंट जो है फीवर, जिसको बुखार कहते हैं, या तो बिल्कुल लो हो जाता है या फिर जो है 103 104 5 इस तरह जो टेम्परेचर होगा। डेफिनेटली जब जानवर को बुखार होगा तो जानवर खाना पीना छोड़ देगा, जुगाली जो है वो बंद कर देगा, जिस्म ठंडा होगा, और जो रूमन है इसकी मोर्टैलिटी जो है, ओजरी की जो मोर्टैलिटी है, हरकत है, वो स्लो हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है जानवर की जो रिगेजिटेशन है, जिसको जुगाली करना कहते हैं, वो भी जो है बंद कर देगा। जानवर जो है वो यूँ जैसे हमें ठंड लगती है तो कांपना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह जो है। अगर ये देखें, एक तो इसकी जो आइज़ की शाइनिंग है वो नहीं है, और ये देखें इसके जो है ऑर्बिटल फोसा जो है इसके अंदर को सनकन आइज़ अंदर को चले गई हैं। एक और अल्लाह ना करे, बस औकात जो डांगरी हजरात हैं हमारे भाई, वो क्या करते हैं इस मौसम में जानवरों को काढ़ा पिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गलत है। काढ़ा इस मौसम में जब ड्रेंचिंग करवाएंगे, अल्लाह ना करे, अगर सही तरह जानवर को नहीं दिया गया तो नाक के रास्ते जो मवाद बाहर आएगा, और आफ्टर 4 or 5 days वही जो है मवाद एक गाढ़ा जो है ठीकी मटीरियल जो है केजीएस टाइप येलोइश वो हो जाएगा, उसका मतलब है कि इसको ड्रेंचिंग साथ निमोनिया हो गया। तो इस तरह का जानवर दूध जो है बिल्कुल नहीं देगा, ऑफ ही हो जाएगा। तो ये मैं अभी टेम्परेचर जो लगाया वो निकालने लगा हूँ। काढ़ा किस चीज़ का दे रहे हैं डांगरी ज़रात? ये जो है जो गुड़ मिला के दे रहे हैं, गुड़ के अंदर सौंफ, अजवैन। आप देखें जी, ये 98 नॉर्मल से भी बहुत नीचे है, इसको हाइपोथर्मिया कहेंगे। तो इसके लिए जो
अब आ जाए जनाब इसकी ट्रीटमेंट की तरफ, जो मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। एक तो इसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आपने अमाइनो विटाल मल्टी विटामिन है प्लस उसमें अमाइनो एसिड है, वो इसको 25 ml वो लगाएंगे। जो एंटीबायोटिक है उसका शार्ट जो है जिस तरह अमोक्सिसिलीन है, जेंटामाइसिन है या टाइलोजेंटा का कम्बिनेशन, वो इस मौसम में स्पेशली जो है टाइलोजेंटा, वो इस कंडीशन के जो नमूनिया टाइप है इसमें हाइपोथर्मिया में वो अच्छा काम करता है। और अगर एनिमल नॉन प्रेग्नेंट है, गबन नहीं है, तो फिर आप स्टीराइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर एनिमल प्रेग्नेंट है तो उसमें नहीं लगाना, क्योंकि एक तो इससे अबॉर्शन के चांस हो जाएंगे, नंबर टू इससे मिल्क की प्रोडक्शन जो है, जो मिल्किंग एनिमल दूध देने वाला, उसमें नहीं लगाना। और साथ एंटी हिस्टामिन जो है उसका शॉट हम 25 ml देंगे। अभी मैं लगाता हूँ। हेलो, और डॉक्टर लेंदा है। विटामिन B1, B2 and B6 ये जो है ये ले रहा हूँ, ये 20 ml जो है। बिस्मिल्लाह, आज नेड़े हो, अल्लाह का शाफी करीब आ गया। मसाज करें जरा, ये टॉल डीम फॉस सोडियम जो है ये ऐड कर रहा हूँ, इससे मेटाबॉलिज्म जो है वो बढ़ जाएगा इसका, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने में बढ़ जाती है। जो एयर है इसके अंदर वो निकाल लेनी है। बिस्मिल्लाह, अल्लाह का शाफी फ्री वाले। ये जो है ना ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन जो है, इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट है लंग्स के लिए, लंग्स इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में। ये जो आपको बता रहा था एंटी हिस्टामिन क्लोरफिनिरामीन मैलिएट जिसका असल साल्ट है, वो लगा रही ओके। डियर व्यूअर्स, काइंडली अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट्स देना ना भूलिएगा। और कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर सतार आपसे इजाज़त चाहता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।